राम राम जी सभी को। एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रेम इंद्री की आप सभी को राम राम। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और फाइनली गनौर पंजाब टूर्नामेंट जो 6 तारीख को होना था, बारिश होने के कारण पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, 9 तारीख को कराया गया था। तो 9 तारीख को टूर्नामेंट संपन्न हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट में सभी 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और अपने खेल का प्रदर्शन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम इंद्री व्लॉग यूट्यूब चैनल की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्लेयरों का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में, अपने खेल का प्रदर्शन किया। और सही मानो तो भाई मेरा दिल खुश हो गया भाई ये टूर्नामेंट देख के, क्योंकि सभी टीमों ने बढ़िया प्रदर्शन किया प्लेयरों ने, और सभी 7 के 7 मैच बहुत ही घमासान हुए, बढ़िया हुए कंपटीशन के सारे ही मैच। परंतु एक जो स्टार्टिंग से 25 पॉइंट के मैच कराए जा रहे थे, थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा था, वो सभी महसूस कर रहे थे। बाकी उस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगा मैचों में, तो 21 पॉइंट के मैच कराए जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट के लिए। ये तो ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा, बढ़िया टूर्नामेंट लगा, सभी मैच अच्छे लगे भाई। और इस टूर्नामेंट की जो विनर टीम रही वो यूपी शास्त्री विद सेरू ढाबा छोटू माजरा विनर टीम रही। प्राइज दिया गया भाइयों को ₹25,000 और ट्रॉफी के। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया यूपी शास्त्री टीम के सभी प्लेयरों को, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेम इंद्री की तरफ से, बहुत अच्छा खेले भाई आपने, बढ़िया प्रदर्शन किया शुरू से लेके एंड तक, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। और सेकंड टीम रही सहारनपुर यूपी विद रवि बहादुरगढ़ लेफ्टी गुहाना। इस टीम ने भी बहुत ही संतुलित गेम खेला और एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया सभी प्लेयरों ने, टीम के सभी प्लेयरों ने, शुरू से लेकर फाइनल तक सभी मैच अच्छे हुए सहारनपुर टीम के, और बढ़िया प्रदर्शन किया और सेकंड पोजीशन प्राप्त की। फाइनल में भी बहुत ही कंपटीशन का मैच चला फाइनल मैच, और बढ़िया प्रदर्शन किया। तो सहारनपुर टीम को, सभी प्लेयरों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया प्रदर्शन किया आप सभी ने टूर्नामेंट में। जो बेस्ट शूटर के तौर पे जो चुने गए 2 खिलाड़ी कंबाइंड चुने गए, रवि बहादुरगढ़ और सेरू ढाबा, जिन्हें ₹3,100 कंबाइंड प्राइस दिया गया। और बेस्ट नेटमैन जो चुने गए सहारनपुर यूपी टीम के, शिवम यूपी, उन्हें बेस्ट नेटमैन का अवार्ड दिया गया ₹3,100। और जो बेस्ट डिफेंसर का अवार्ड दिया गया यूपी शास्त्री टीम के, सीनू यूपी को बेस्ट डिफेंसर का अवार्ड दिया गया। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया आप सभी ने, बेस्ट जो बने इस टूर्नामेंट में, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया भाई। टूर्नामेंट सफल रहा, 1 नंबर का टूर्नामेंट रहा, और ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए जो कि मतलब टीमें, जो बढ़िया टीम है उनमें बुला के टूर्नामेंट कराया जाए तो अच्छा टूर्नामेंट होता है भाई, बढ़िया मन लगता है, सभी मैच कंपटीशन के होते हैं। और अच्छा टूर्नामेंट रहा, कामयाब टूर्नामेंट रहा, खुशी हुई और अफसोस इस बात का कि हम सम्मिलित नहीं हो पाए इस टूर्नामेंट में। बाकी नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर हम जरूर सम्मिलित होने की कोशिश करेंगे सभी टूर्नामेंटों में। बाकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट की, जिसमें कि हम शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट है 12 और 13, 2 दिन का टूर्नामेंट है, और ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है डायरेक्ट वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये टूर्नामेंट होगा भाई भोपाल मध्य प्रदेश में, ये टूर्नामेंट है, और जिसमें कि ऑल इंडिया से टीमें पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में। तो ये टूर्नामेंट होने वाला भाई 12 और 13 जुलाई, और इस टूर्नामेंट में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हरियाणा स्टेट से। तो जो जो प्लेयर होंगे हरियाणा टीम से, उन सभी से मैं परिचय कराऊंगा आपका नेक्स्ट ब्लॉग में, वो
आपको बताऊंगा कौन कौन प्लेयर सम्मिलित हुए हैं और उन सभी से मिलाऊंगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को पूरी डिटेल बता दी जाएगी कौन नेक्स्ट ब्लॉग आने वाले हैं इसी टूर्नामेंट के, भोपाल मध्य प्रदेश। इस टूर्नामेंट में प्राइज की बात कर लेते हैं, क्या क्या प्राइज रहने वाला वो मैं डिटेल बता देता हूँ। फर्स्ट प्राइज रखा गया है 21,000 रुपए विद ट्रॉफी। सेकेंड प्राइज रखा गया 15,000 रुपए विद ट्रॉफी। थर्ड प्राइज रखा गया 11,000 विद ट्रॉफी। फोर्थ प्राइज रखा गया 7,100 रुपए। फिफ्थ प्राइज रखा गया 5,100 रुपए और सिक्स प्राइज रखा गया 3,100 रुपए। सेवंथ प्राइज रखा गया 2,100 रुपए। एट्थ प्राइज रखा गया 2,100 रुपए। नाइन्थ प्राइज रखा गया 2,100 रुपए और दसवें नंबर पे जो टीम रहेगी उन्हें भी 2,100 रुपए प्राइज दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्राइज रखा गया है इस टूर्नामेंट में और जो टूर्नामेंट में हीरो ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा, जो भी प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करेगा हीरो ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, उसको 3,100 रुपए प्राइज दिया जाएगा। बाकी बेस्ट नेटमैन, बेस्ट डिफेंसर और बेस्ट शूटर को भी 2,100-2,100 रुपए प्राइज दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्राइज है इस टूर्नामेंट में और बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कैटेगरी में ये टूर्नामेंट होगा। सेम प्राइज है बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है भाई और मुझे तो खुशी है कि 2004 में लास्ट टाइम हम 2004 में फेडरेशन के अंडर हम टूर्नामेंट खेलने गए थे, सुरूर पुणे महाराष्ट्र में हम खेलने गए थे। प्योर शूटिंग का वो नेशनल था तो वहां पे गए थे। उसके बाद अभी जाना हो रहा है भोपाल नेशनल खेलने के लिए फेडरेशन के अंडर। बाकी तो हम वीकेंड पे टूर्नामेंट खेलते हैं हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में और भी स्टेटों में ओपन टूर्नामेंट चलते रहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा जो भी भाई जुड़े हुए हैं चैनल से, यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल जरूर जुड़े। चैनल पे व्लॉग बनाए जाते हैं शूटिंग वॉलीबॉल के, जो भी टूर्नामेंट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस है खिलाड़ियों का वो सब कुछ शेयर किया जाता है आपके साथ और मैच वगैरह भी डाले जाते हैं दूसरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो यही आपके साथ शेयर करना था दोनों ही टूर्नामेंट के बारे में, नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट के बारे में बताया गया जो भी डिटेल है। और बाकी जाने का रहेगा वो मैं सभी प्लेयरों को दिखाऊंगा और जैसे भी जाना होगा वो सब कुछ दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और कई बातें होंगी आपके मन में कि ये जो फेडरेशन के अंडर टूर्नामेंट हो रहा है तो इसमें क्या नियम सेम यही रहेंगे जो यहाँ पे हरियाणा में, पंजाब में थर्ड वर्ल्ड रैंक के शूटिंग टूर्नामेंट होते हैं, कच्ची के टूर्नामेंट होते हैं, क्या सेम वही नियम रहेंगे या फिर कुछ अलग से ही नियम होंगे। मुझे जानकारी मिली है जहाँ तक तो जो नियम हरियाणा में टूर्नामेंट होते हैं थर्ड बॉल अंडर हैंड के शूटिंग वॉलीबॉल के, सेम वही नियम वहाँ पे भी रहने वाले हैं। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इस टूर्नामेंट में प्लेइंग प्लेयर जो है 6 रहेंगे, 6 प्लेइंग प्लेयर रहेंगे और नियम सेम ही रहने वाले हैं। अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगा। और बाकी अब ये भी सवाल होगा आपके मन में कि यार बारिश हो रही है पिछले दो टूर्नामेंट, एक झज्जर का और फिर ये पंजाब का 6 तारीख का था तो बारिश के कारण पोस्टपोन हो गया, तो वहां पे भी बारिश मानसून आ चुकी है वहां पे, तो बारिश में किस तरह से सफल हो पाएगा ये टूर्नामेंट। तो बारिश की कोई दिक्कत है नहीं भाई, बारिश में भी टूर्नामेंट होगा। अब आप कहोगे कि भाई बारिश में कैसे होगा टूर्नामेंट, तो वो मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, बाकायदा आपको व्लॉग में दिखाऊंगा कि किस तरह से टूर्नामेंट होगा, क्या व्यवस्था है टूर्नामेंट कराने की बारिश में भी, तो वो सब कुछ आपको जानकारी और देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखें, बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है नेक्स्ट। तो मिलते हैं फिर, है ना, भोपाल टूर्नामेंट में जाएंगे, मिलेंगे, काफी एंजॉय होगा। राम राम सभी को, है ना।